सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी रात के लगभग 8 बज रहे हैं और मैं आज जा रहा हूँ आपको लेकर के आइकिया। और अभी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। और अभी हम आइकिया पहुँच चुके हैं और अभी हम पार्किंग लॉट में जा रहे हैं। जैसे ही आप आइकिया हो गए, आपको कुछ इस तरह से एंट्रेंस देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी खूबसूरत और न्यू डिज़ाइन का रहता है। और मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही आप पार्किंग से ऊपर आ गए, आपको इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। और ये है यहाँ का पूरा मैप। आपको जो भी परचेस करना, आप इस मैप के अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर आज टेबल लैम्प परचेस करना था गाइस, इसलिए हम उस सेक्शन में जा रहे हैं जो कि है नंबर 17। और अभी आप देख सकते हो पर कितनी सारी वेराइटीज़ की टेबल लैम्प है। मतलब मैंने आज से पहले इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं देखी। आप देख सकते हो हर एक कलर, हर एक डिज़ाइन में आपको इतनी वेराइटीज़ मिल जाएगी कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मैं तो हो गया था। मतलब एक और बात गाइस, ये आइकिया जो हैदराबाद का इंडिया का फर्स्ट आइकिया है। और ये स्टोर काफ़ी बड़ा है, ये मतलब ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ। आपको यहाँ पर हर चीज़ लगभग जो भी आपको चाहिए, चाहे वो बेड्स हो या फिर टेबल लैम्प हो, टेबल घर की क्रॉकरी, कुछ भी आपको चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा। ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और ये स्टोर काफ़ी जेन्युइन रेट पर अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ी कंपनी है तो इसके प्राइसेस बहुत हाइक है। हमने यहाँ पर परचेज़ किया है टेबल लैम्प और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत न्यू तरह के वैरायटीज़ है। मतलब ऐसा टेबल लैम्प मैंने पहली बार देखा है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। सो अगर आपको घर को सजाना है, डेकोरेट करना है, तो ये आप न्यू डिज़ाइन की टेबल लैम्प वगैरह ले सकते हो, नाइट लैम्प्स वगैरह, जो कि आपके घर के मतलब अट्रैक्शन को काफ़ी अच्छा कर देगा। और यहाँ पर आपको काफ़ी तरह की वैरायटीज़ मिल जाएगी। सो आपको वैरायटीज़ और लुक्स के मामले में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पसंद आ जाएगा। और यहाँ पर इतनी साजे चीज़ें होती है ना, मतलब कि आप इम्पल्स बाइंग, मतलब आप सपोज़ दो सामान लेने के लिए जा रहे हो, आप 3-4 लेकर के आ जाओगे क्योंकि प्राइस जेन्युइन है। और यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन है कि आपको कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगा एक्स्ट्रा। सो गाइस, अगर आइकिया की क्लीनिनेस और मेंटेनेंस की बात करें तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन और वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी धूल और मिट्टी और मतलब पॉल्यूशन अंदर देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से इन्होंने मेंटेन करके रखा है, सफाई वगैरह सब कुछ। आइकिया में आपको हर एक चीज़ के लिए डेडिकेशन सेक्शन मिल जाएगा जो कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में नंबर से बांटा हुआ। अभी आप देख सकते हो डुप्लीकेट प्लांट एरिया में हूँ और यहाँ पर कितने सारे प्लांट्स हैं। सो गाइस, जैसे हम बिलिंग काउंटर की ओर जाने वाले थे, हमें यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत वॉचेस के कलेक्शन मिल गए थे, तो हम यहाँ पर देखने के लिए रुक गए थे। यहाँ का एम्बियंस गाइस इतना अच्छा है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपको एक मतलब अलग ही फील होगा यहाँ पर आके। अभी आप देख सकते हो उनका वेयर हाउस है, ये कितना बड़ा है और कितने हाइट पर मेनटेन किया हुआ है। और ये पूरा वेयर हाउस मतलब सामान से फिल रहता है एनी टाइम। सो गाइज, कुछ ऐसा है आइकिया का टूर और वॉक अराउंड। होप आपको ये वीडियो पसंद आए गाइज। अभी हम जा रहे हैं बिलिंग काउंटर में और अभी आप देख सकते हो कुछ ऐसा है बिलिंग काउंटर। आपको अराउंड 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ेगा अपनी बिलिंग के लिए। और जैसे ही आप बिलिंग काउंटर से बाहर आओगे, आपको फूड कोर्ट मिल जाएगा जहाँ पर आइसक्रीम और स्नैक्स वगैरह काफ़ी जेन्युइन रेट पर अवेलेबल होते हैं। सो अभी आप देख सकते हो काफ़ी वैरायटी में आपको स्नैक्स मिल जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारी मतलब आपको मेन्यू और वैरायटीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस, हमने ये सॉफ्ट ड्रिंक्स का प्राइस था मात्र 30 रुपीज़ और ये समोसा। सो गाइस, हमने ये टेबल लैम्प खरीदा, साथ में ये हैंड ग्लव्स ओवन के लिए।